हेलो सेलेक्ट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप आजियो के एग्जिस्टिंग सेलर हैं या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया आजियो पे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑर्डर वाइज पेमेंट रिकंसिलेशन करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजियो जो पेमेंट देता है वो घुमा फिरा के एंट्रीज देता है, यानी कि जो सीधी तरीके से आपको वो डिटेल्स नहीं देगा जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट देता है। वो कैसे ऑर्डर आईडी के सामने वहां पे बता देगा इसके सामने ये पेमेंट दिया, लेकिन आजियो जो देगा ना वो रिटर्न की एंट्री और ये जो डिलीवर्ड ऑर्डर की एंट्री वो एक ही शीट में सारी चीजें आपको नहीं क्लियर करके देगा। तीन चार रिपोर्ट आप डाउनलोड नहीं करोगे तब तक वो आपको रिकंसिलेशन उसका समझ में नहीं आएगा। तो कौन सी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, कैसे रिकंसिलेशन करना है, सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट रिकंसिलेशन का प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वो भी अगर आप पार्ट मिस करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा ये डिटेल्स कहाँ से आई है, कैसे इसका रिकंसिलेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आजियो आपको पेमेंट इनिशिएट करेगा यानी कि पेमेंट वो आपको देगा, उसी दिन आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उसका पेमेंट एडवाइजरी आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो पेमेंट एडवाइजरी आपको मिलेगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। तो किस तरह से दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, जिसे आप पीडीएफ की पेमेंट एडवाइजरी आप ओपन करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका डीबी कोड यानी कि जो आजियो का कोड है, वेंडर कोड, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आपका यहाँ पे डिटेल्स होगा, ठीक है। उसके बाद जिस दिन उसने आपको पेमेंट दिया वो पेमेंट डेट यहाँ पे मेंशन होगी और कितना पेमेंट दिया वो भी यहाँ पे मेंशन होगा और कौन सी डॉक्यूमेंट नंबर भी होगा वहाँ पे, कि रेफरेंस नंबर कहते हैं इसे, कि किस रेफरेंस नंबर के सामने कितना पेमेंट आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है जिसके सामने इसने इतना पेमेंट रिलीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि अगर रिटर्न होगा या सेल होगा, तो सेल होगा ना तो उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे वो मेंशन कर देगा। अगर रिटर्न है तो इनवॉइस का रेफरेंस नंबर वो आपको देगा, इंटरनल रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, कहाँ से आपको डिटेल्स मिलेगी वो हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे आप जो अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव में देख रहे हो ना, यानी कि ये जो रिटर्न का चार्जेस उसने काटा है, यानी कि सेल हुआ उसके बाद रिटर्न हुआ, इसलिए माइनस ये अमाउंट बता रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको पॉजिटिव अमाउंट देखने को मिलेगी, यानी कि ये सेल हुआ है, ठीक है। तो उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। अब इस फाइल को आपको कन्वर्ट करना होगा पीडीएफ टू एक्सेल में, वो कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में जाके लिख देना है पीडीएफ टू एक्सेल। जैसे आप लिख देते हो उसके बाद फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगा, वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे सिलेक्टेड फाइल, तो जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे जो फाइल आपने डाउनलोड की है ना पीडीएफ की पेमेंट एडवाइजरी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दी, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट टू एक्सेल, जैसे आप कन्वर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करोगे तो ये फाइल एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो अभी ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे वो कन्वर्ट हो जाती है फाइल, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। कुछ ओपन करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है। उसके बाद जो ये आप देख रहे हो ना टेबल वन टेबल टू, तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी अलग अलग शीट में। तो आपको क्या करना है, इन सारे फाइल को एक ही शीट में यानी कि एक ही फाइल में कंसोलिडेट करना है, यानी कि जितना भी डेटा है वो सब की सब एक जगह पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको करने होंगे थ्री रिपोर्ट्स। वो थ्री रिपोर्ट्स कौन से रहेंगे, अगर आप डेली का सेल रिपोर्ट और रिटर्न रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ये रिपोर्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। रिपोर्ट वन है ड्रॉपशिप शिपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, और सेकेंड आता है रिपोर्ट ड्रॉपशिप आरटीवी रिपोर्ट। जितने भी कैंसल और रिटर्न आरटीओ जितना भी होगा वो तो सारा का सारा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिपोर्ट आपको डाउनलोड करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये आपको डाउनलोड होगा एसआरएम पोर्टल पे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है सेलेक्ट डॉट आजियो डॉट कॉम। जिससे आप लॉग इन कर लेते हो
तो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिपोर्टिंग करके टैब दिखाई दे रहा होगा, वहां पे व्यू रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे अपना बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट टाइप चूज करना होगा ड्रॉपशिप शिपमेंट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉपशिप शिपमेंट रिपोर्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है। जिस मंथ का आप पेमेंट रिकंसिलेशन करने जा रहे हो, यानी कि पेमेंट की एडवाइजरी में जो डेट आई है उसके ऑर्डर डिटेल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं सितंबर। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे अगर आप डेटा डाउनलोड भी करोगे ना तो लास्ट 90 डेज का ही आप डाउनलोड कर पाओगे, तो बेहतर यही होगा कि हर महीने ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करके रखो, ठीक है। अभी ये आपको डाउनलोड नहीं करने देगा, ये हमने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, क्योंकि हम हर मंथ के आखिरी में हम सारे रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ये जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए ताकि पेमेंट रिकंसिलेशन होने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट आता है अपना ड्रॉपशिप आरटीबी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉपशिप आरटीबी रिपोर्ट, यही सेम आपको कर देना है फ्रॉम जिस मंथ का भी आप रिकंसिलेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, एक मंथ आपको सिलेक्ट कर लेना है कोई भी जिस मंथ का आप करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद व्यू करोगे तो आपको डिटेल्स दिख जाएगी। दिखने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट दिखाई देगा एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कर देना, यानी कि ये दो रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं SRM पोर्टल पे, जो रिलायंस का SRM पोर्टल है वो आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से आपको पेज मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे ना तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लिख के आएगा टैब, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से टैब आपको दिखाई देगा, यानी कि ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। उसके बाद कंपनी कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का रिपोर्ट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का चाहिए आपको, तो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। वही सिलेक्ट करना है जिस मंथ का आपको पेमेंट एडवाइजरी मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं सितंबर मंथ का, तो ये तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक्सेल में सारी डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, उसका आपको एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये एक्सेल की फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है वो हम आपको बता दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये रिपोर्ट देख रहे हो ना आप, ये ऑर्डर शिपमेंट रिपोर्ट है जो हमने स्टार्टिंग में आपसे डाउनलोड करवाया था, उसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना पॉजिटिव पेमेंट और नेगेटिव पेमेंट, ये वो है जिसका PDF था पेमेंट एडवाइजरी का, जिसको हमने कन्वर्ट किया था एक्सेल शीट में, और जितना भी पॉजिटिव अमाउंट था उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, और जो नेगेटिव था उसको भी हमने सेग्रीगेट कर दिया, यानी कि दोनों को हमने अलग अलग शीट में मेंशन कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर से आपको ऑर्डर शिपमेंट रिपोर्ट में आ जाना है, और जो लास्ट में आप ये तीन कॉलम देख रहे हो ना, सेल पेमेंट, रिटर्न पेमेंट और फाइनल पेमेंट, ठीक है, उसका हम जिस ऑर्डर आईडी का हमें पेमेंट मिला है वो यहाँ पे हम आपको विलकॉप के जरिए हम आपको बताएंगे कि किसका किस ऑर्डर आईडी के सामने कितना पेमेंट इसने हमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे विलकॉप का। अगर आप एक न्यू सेलर है और आपको नहीं पता कि विलकॉप का यूज कैसे करते हैं, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ये वीडियो एंड होने के बाद आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी कॉलम सेलर इनवॉइस नंबर, ठीक है, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। पूरा कैसे होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा एंटर करना है। कॉमा एंटर करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव पेमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये इनवॉइस रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर और इनवॉइस रेफरेंस डॉक्यूमेंट अमाउंट, ये सेम कॉलम आपको पेमेंट एडवाइजरीज में से ही मिलेगा, ठीक है। इस बी कॉलम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के साथ मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, उसके बाद राइट एरो क्लिक कर देना है। जिससे आप राइट एरो पे जाते हो, उसके बाद यहाँ पे 2C लिखा आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे कोमा करके 2 करना है, फिर से कोमा, फिर डाउन एरो से फॉल्स पे जाना है, फिर टैब की प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप फिल्टर जैसे लगाओगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं ये सेलर इनवॉइस नंबर यहाँ पे फाइंड करूंगा ना, तो यहाँ पे ये बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट है 563.75, ठीक है, तो यहाँ पे सेम अमाउंट आ चुका है, ठीक है, मतलब इस ऑर्डर आईडी के सामने मुझे इतना पेमेंट मिला है। सेकेंड दूसरा भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इसका 580 रुपीज, तो यहाँ पे भी 580,
मतलब कि जो बिल बना था, आजियो ने जो बिल बनाया था 580 रुपीज का, उतना ही मुझे इसने पेमेंट दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसका फिल्टर, फिर से हम हटा देते हैं रिटर्न पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका सेल हुआ उसका तो इसने पॉजिटिव में पेमेंट दे दिया, लेकिन रिटर्न भी हुआ है तो उसका नेगेटिव में पेमेंट होगा, ठीक है। तो उसका भी हमें सेम वीलुकअप लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नेगेटिव पेमेंट में आपको जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दिया होगा ना, ये कॉपी करके आप फाइंड करोगे ना यहाँ पे ऑर्डर शिपमेंट रिपोर्ट में, तो आपको फाइंड नहीं होगा, यानी कि आपको इसका डिटेल्स नहीं मिलेगा। अगर आपको इसका इनवॉइस मतलब इसकी वैल्यू मैच करवानी हो, तो उसके लिए आपको पीओ नंबर और इनवॉइस नंबर चाहिएगा, तभी यहाँ पे आप वीलुकअप लगा पाओगे, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो पीओ नंबर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। जी हाँ दोस्तों, तो हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पे हमने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू करके वीलुकअप सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और ये कॉलम जो है ना ये सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे दिखाई है रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, दोनों में से एक होगा, इनवॉइस नंबर होगा या रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर होगा। अगर रिटर्न है तो वो रेफरेंस नंबर पे होगा। तो यहाँ पे पीओ नंबर हमें वहीं से फाइंड करना है। तो यहाँ से हम रेफरेंस नंबर की जितनी भी पूरी कॉलम है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जहां तक जाना है जहां तक वो पीओ नंबर का कॉलम ना आ जाए। तो यहाँ पे 5C लिखा रहा है, यहाँ पे कोमा करके 5C कर देना है, फिर से कोमा कर देना है, डाउन एरो से फॉल्स पे जाना है, फिर टेप करके ब्रैकेट ओवर कर देना है। जिसे आप ओवर कर दोगे तो ये इसके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सेम करके आपको कंट्रोल डी कर दूंगा तो सब में सेम फॉर्मूला लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ तो इस सबकी वैल्यू आ गई, मतलब कि सबके पीओ नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेम चीज मुझे करनी होगी, क्योंकि पीओ नंबर भी मैं फाइंड करूंगा ना ऑर्डर शिपमेंट रिपोर्ट में तो भी मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुझे इसका इनवॉइस नंबर चाहिए। इनवॉइस नंबर मिलेगा तभी मैं इसके सामने वीलुकअप लगा पाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा? तो इनवॉइस नंबर के लिए हमने रिपोर्ट डाउनलोड किया था, आरटीवी शिपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वो हमें अभी ओपन करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ड्रॉपशिप आरटीवी रिपोर्ट ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फिर से इसी शीट में आ जाना है। और ये जो अगर पीओ नंबर भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे सेलर ऑर्डर आईडी आपको दिखाई दे रहा है, सेलर ऑर्डर आईडी वही हो गया जो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन अब की बार जो लगेगा फॉर्मूला वो इस कॉलम से लगेगा, यानी कि जो डी कॉलम है पीओ नंबर उसी से लगाना है, क्योंकि आपको पीओ के सामने इनवॉइस नंबर चाहिए, यानी कि सेलर ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो डिलीवरी चलन नंबर है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट से राइट जाना है। राइट जाने के बाद यहाँ पे जो कॉलम नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 कर देना है, कोमा, फिर से डाउन एरो से फोल सिलेक्ट करना है, टैप कर देना है, ब्रैकेट ओवर करके एंटर दे देना है। जिसे आप एंटर दे दोगे तो यहाँ पे उसके सामने उसका इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। जिस अब मैं क्या करूँगा कि जो अमाउंट है ना नेगेटिव में ये वाली, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्डर रिपोर्ट में जाओगे ना और यहाँ पे आप वीलुकअप को आपको लगाना है, ठीक है। वो किससे लगाओगे आप? शिपमेंट आईडी से, ठीक है। अगर मैं ये फाइंड करूंगा ना, जैसे कि इनवॉइस नंबर यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें उसके सामने कितना अमाउंट है वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी सेम फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब की बार ये शिपमेंट आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको नेगेटिव पेमेंट में चले जाना है और यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर हमने लिए थे आरटीवी रिपोर्ट से वही कॉलम सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट से राइट साइड जाना है, वहाँ पे 2C एंटर कर देना है, यानी कि 2 सिलेक्ट कर देना है, फिर सेम ही एंटर करके यहाँ पे भी सेम चीजें करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस ऑर्डर आईडी के सामने कितना पेमेंट माइनस, यहाँ पे पहले पैसा दिया भी था और यहाँ पे फिर से काट भी लिया, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जिसका पेमेंट नहीं आया है और रिटर्न काट दिया, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब कि जो ये पेमेंट एडवाइजरी थी उसके अंदर उसका पेमेंट नहीं आया था, उससे पहले आ चुका था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन है। और यहाँ पे जो अभी पेमेंट एडवाइजरी आई है ना, उसके सामने ये ऑर्डर आईडी का पैसा काटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया। उसके बाद
उसके बाद आपको फिल्टर फिर से लगा देना है और जितने में भी एनए है, जितने भी पॉजिटिव अमाउंट है वो उसका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें रिटर्न पे आउट में आना है, वहाँ पे भी एनए का हटा देना है फिल्टर। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है, यानी कि सेल पेमेंट सिलेक्ट करना है, और ये जो अमाउंट माइनस में है ना, तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन लेना पड़ेगा। अगर ये 0-0 रहता है फाइनल पे आउट, तो ये 0 इसीलिए दोस्तों क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो आपके पास आ चुका है, ठीक है, तो उसका कोई पेमेंट बनता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें भी डिफरेंस लगे आपको, मतलब कि इसमें रिटर्न चार्जेस ज्यादा लगे, उसका टिकट रेज आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे अमाउंट आपके पास ज्यादा भी आया है, रिटर्न भी कम है, तो उसका कुछ करना है नहीं, ठीक है। ये तो हो गया सेल और सेल रिटर्न का, ठीक है। इसके अलावा भी ये जो पॉजिटिव अमाउंट है ना, ये सेल है उसका रिटर्न का पैसा नहीं कटा है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इसका फाइनल जो पे आउट है ना यही रहेगा, क्योंकि इसके सामने रिटर्न हुआ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो पेमेंट रिकंसिलेशन ऑर्डर वाइज, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पेमेंट रिकंसिलेशन बताया है, ये जिसका भी अकाउंट आजियो में फिक्स कमीशन पे है, यानी कि 40% या 42 पे है, ठीक है, वो पेमेंट रिकंसिलेशन इसी तरह से कर सकते हैं। जिसका अकाउंट 20% पे है, यानी कि 20% है और शिपिंग और लॉजिस्टिक चार्ज सब एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा अलग तरीका होगा, लेकिन ज्यादातर सिमिलर ही है। हेलो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर मीशो, जी हाँ दोस्तों, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे ऑनबोर्ड होते हैं, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कैसे ब्रांड रजिस्ट्री होगा, कैसे अमेजोन का एपीओ भी प्रोसेस होगा, कैसे हम आपको मतलब इजी से प्राइम पे फास्ट से फास्ट लाने की दिलवाने की आपको कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे आज ही आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो सिर्फ व्हाट्सएप ही है, आप कॉल नहीं कर सकते उस पे, हम आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।